हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आइसोपोली एसिड एंड हेटरोपोली एसिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका समझेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी सेमेस्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये कंप्लीट हैरिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आइसोपोली एसिड एंड हेटरोपोलिस एसिड्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले पॉली एसिड्स क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली एसिड्स क्या होता है, अगर हम इसको जनरल डिफाइन करना चाहें तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उसको पॉली एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, पॉली एसिड्स आप यहाँ पे पॉली एसिड्स में नाम से ही आप देख सकते हैं, इसमें जो है एसिड जुड़ा हुआ है। एसिड का क्या गुण होता है कि वो एच प्लस जो है आयन जो है डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार ऐसा कंपाउंड जो जिसमें एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको पॉली एसिड्स कहा जाता है। ये पॉली एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, आइसोपॉली एसिड एंड हेटरोपॉली एसिड्स। सो स्टार्ट करते हैं आइसोपॉली एसिड्स क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉली एसिड्स क्या समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइसोपॉली एसिड्स क्या है, द पॉली एसिड्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड्स आर कॉल्ड आइसोपॉली एसिड्स, एग्जाम्पल पॉलीक्रोमिक एसिड। ठीक है, सो बेसिकली ये इसका H2O XCRO3, ठीक है, ये जो है पॉलीक्रोमिक एसिड है जो कि आइसोपॉली एसिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है आइसोपॉली एसिड्स, ऐसा पॉली एसिड्स जो सिर्फ एक प्रकार का जो है एसिड एंड हाइड्राइड जो है कंटेन करता है, उसको आइसोपॉली एसिड कहा जाता है। एग्जांपल के लिए आपका है पॉलीक्रोमिक एसिड H2O XCRO3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जहां X बराबर जो है मोर देन वन, एक से ज्यादा जो है वहां पे होगा। ठीक है, नंबर्स, तो इस प्रकार से ये आइसोपॉली एसिड्स का बेसिक एग्जांपल और ये जो है एग्जाम बेसिक डेफिनेशन, मतलब सिंपल सा कि ऐसा पॉली एसिड जो एक से ज्यादा एक प्रकार का जो है एसिड एनहाइड्राइड जो है कंटेन करता है, उसको आइसोपॉली एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में ये। ठीक है, अब जो आइसोपॉली एसिड्स है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार से आइसोपॉली एसिड्स को जो हम प्राप्त करते हैं बेसिकली। सो दिस एसिड्स आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ऑक्सीजन एटम इन एन ऑक्सी एसिड बाय रेडिकल ऑफ द सेम एसिड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो है आइसोपॉली एसिड है हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जब ऑक्सीजन एटम को जो है ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन एटम को रेडिकल्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तब हमको ये आइसोपॉली एसिड्स प्राप्त होता है। यहां पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये हमने क्रोमिक एसिड लिया, ठीक है, क्रोमिक एसिड, दो क्रोमिक एसिड हमने लिया, तो इसका जब हम रिएक्ट कराते हैं तो H2O यहां से बाहर होगा और ये कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। और ये जो कंपाउंड्स हमको प्राप्त होते हैं, जैसे दो क्रोमिक एसिड लिए तो हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है, तीन क्रोमिक एसिड लिए तो उसमें दो H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और ये कंपाउंड मिलेगा। सेम जो है फोर क्रोमिक एसिड लेंगे तो उसमें दो थ्री H2O बाहर निकलेगा और ये कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स प्राप्त हुए ये हैं पॉली एसिड्स। ठीक है, ये जो है पॉली एसिड्स होते हैं, तो पॉली एसिड ही आइसोपॉली एसिड होते हैं क्योंकि ये जो है एक प्रकार के एसिड एंड हाइड्रेट्स हैं, तो ऐसा पॉली ठीक है, ये पॉली एसिड्स हैं क्योंकि ये एसिड एंड हाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो आइसोपॉली एसिड्स में क्या है, सिर्फ एक प्रकार के पॉली एनहाइड्रेट्स होते हैं, एनहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये एक ही प्रकार के पॉली एनहाइड्रेट्स हैं, मतलब ये आइसोपॉली के एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइसोपॉली एसिड्स में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो आइसोपॉली एसिड्स हैं जिनका आपको नाम से याद रखना है, एग्जाम्पल में देना है, वो है आइसोपॉली मॉल्बिडेट्स, आइसोपॉली टंगस्टेट्स एंड आइसोपॉली रेंडेट्स। ठीक है, ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है आइसोपॉली एसिड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें आइसोपॉली एसिड्स का, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज शो दैट दिस एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम मॉल्बिडेनम 6। ठीक है, बेसिकली एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड के द्वारा हम इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जिससे जो जो स्ट्रक्चर है, जो हमको स्ट्रक्चर मॉल्बिडेनम वाला जो आइसोपॉली एसिड्स है उसका जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, विच कंबाइंड बाय शेयरिंग ऑफ कॉर्नर मॉल्बिडेनम और टंगस्टन। ठीक है, मॉल्बिडेनम या टंगस्टन दोनों का स्ट्रक्चर सेम टाइप से होता है, जिसमें सेंटर में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स होंगे मॉल्बिडेनम या टंगस्टन, जो कि
कॉर्नर्स में इसके ऑक्सीजन से घिरे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं आइसोपोलिक एसिड्स के लिए, ठीक है। ये मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन दोनों का सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस सेंटर में जो है मॉलिब्डेनम या टंगस्टन प्रेजेंट है एंड इसके जो कॉर्नर्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इतना आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपोलिक एसिड्स एंड ये जो है बेसिक इसके सॉल्ट, ठीक है। अब हम सेकेंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेट्रोपोली एसिड्स, इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिकली इसका अपोजिट ही होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन, द पॉली एसिड्स कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स आर कॉल्ड हेट्रोपोली एसिड्स, ठीक है। सिंपल सा है, ऐसा पॉली एसिड्स जो एक से ज्यादा प्रकार के एसिड एनहाइड्राइड्स जो है कंटेन करता है, ठीक है, उसको हेट्रोपोली एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका पॉलीमोलिब्डो फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका MH2O.P2O5 एंड ये XMOO3, ठीक है। ये जो है आपका फॉर्मूला है जहां पे X जो है 12 और 24 होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक डेफिनेशन और ये इसका ये एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान रखना है हेट्रोपोली एसिड से रिलेटेड। अब हेट्रोपोली एसिड और मॉलबीडेनम जनरली ये इंडिविजुअल टॉपिक के रूप में पूछ लिया जाता है कि हेट्रोपोली एसिड और मॉलबीडेनम क्या है, ठीक है। तो या फिर मॉलबीडेनम जो है इसका हेट्रोपोली एसिड्स के एग्जाम्पल जो है आपको रिएक्शन बताना होगा बेसिकली। सो हेट्रोपोली एनायंस आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग अ मॉलबीडेट्स लाइक सोडियम मॉलबीडेट्स विद एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फेट सिलिकेट एंड मेटल आयन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमको हेट्रोपोली एनायन आर ऑप्टेन, ठीक है, जो हेट्रोपोली एनायंस होते हैं हमको कैसे प्राप्त होते हैं मॉलबीडेट का, तो जब हम फास्फोरिक एसिड को और फास्फोरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टेन बाय रिएक्टिंग ऑफ मॉलबीडेट लाइक सोडियम मॉलबीडेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमोनियम मॉलबीडेट भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली मॉलबीडेट जैसे सोडियम मॉलबीडेट, अमोनियम मॉलबीडेट, ये सब यूज कर सकते हैं। तो अमोनियम मॉलबीडेट, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको जो है अमोनियम फास्फो मॉलबीडेट प्राप्त होता है, ठीक है। और अमोनियम फास्फो मॉलबीडेट एंड अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होगा, ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं तो इस प्रकार से इसके साथ हमको 12 मॉलिक्यूल H2O के प्राप्त होंगे और इस प्रकार से जो है आप ये रिएक्शन लिखेंगे हेट्रोपोली एसिड्स ऑफ मॉलबीडिनम में, ठीक है। उसके बाद हेट्रोपोली एसिड ऑफ टंगस्टन का जो है आपको सिर्फ जो है फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं जो कि टंगस्टन का हेट्रोपोली एसिड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो है हेट्रोपोली एसिड्स ऑफ मॉलबीडेनम एंड हेट्रोपोली एसिड ऑफ टंगस्टन का फॉर्मूला और मॉलबीडेनम से रिलेटेड आपको जो है ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। तो इतना है हेट्रोपोली एसिड्स का, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, सेमेस्टर एग्जाम्स में अप्लाई कर रहे हैं आप, अपेयर हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये पूरा याद करके जो है अच्छे से आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पॉली एसिड्स, ठीक है, जो हमने हेट्रोपोली एसिड्स आइसोपोली एसिड दोनों डिस्कस किया, वो दोनों पॉली एसिड्स के एक टाइप हैं, ठीक है। तो पॉली एसिड्स का एप्लीकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉली एसिड्स का एप्लीकेशन क्या है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, रंजक होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉली एसिड्स को यूज किया जाता है। दिस एसिड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो पॉली एसिड में जो है बहुत ग्रेट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्षमता होती है, जिसके कारण जो है हम सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस के सेपरेशन में भी इसका इस एसिड का यूज करते हैं। एंड यूज टू रिटेंशन ऑफ फास्फेट्स एंड आर्सिनेट रेडिकल्स, ठीक है। तो हम फास्फेट एंड आर्सिनेट रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीसिड्स। तो ये तीन पॉइंट आपको इसके एप्लीकेशन के रूप में याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है बेसिक पॉइंट्स, बेसिक इंट्रोडक्शन आइसोपोली एसिड एंड हेट्रोपोली एसिड से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए यूनिट वाइज एमएससी एंड बीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं एंड पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।